हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टेक रूम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Realme X7 Pro के लेटेस्ट मई अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। Realme X7 Pro 5G में स्टेबल Realme UI 3 और Android 12 अपडेट मार्च में मिला था, जिसमें फ़ोन में काफ़ी कुछ चेंजेस और न्यू फीचर्स देखने को मिले थे। लेकिन Android 12 अपडेट के साथ ही फ़ोन में कुछ बग्स भी आ गए थे, जैसे YouTube ऐप 120 हर्ज पर वर्क नहीं कर रहा था, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था, काफ़ी पुअर बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा था, बैटरी ड्रेन काफ़ी जल्दी हो रहा था, फ़ोन काफ़ी जल्दी हीट हो जा रहा था, सेटिंग में बैटरी सेक्शन में स्क्रीन ऑन टाइम अपडेट नहीं हो रहा था, ऐसे ही काफ़ी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे। इस सॉफ्टवेयर अपडेट को फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे क्या ये सभी प्रॉब्लम फिक्स हुए हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है Realme X7 Pro 5G लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए सेटिंग में चलते हैं। यहाँ नीचे अबाउट फोन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें दिख जाएगा हमारे फ़ोन के लिए न्यू वर्जन अवेलेबल हो गया है। इस अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे इस अपडेट के बाद आपको अप्रैल मंथ का सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल करके दिया जाएगा। यह सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट तो नहीं है, यहाँ पर मई मंथ का सिक्योरिटी पैच अगर दिया जाता तो काफ़ी सही रहता, वो लेटेस्ट रहता। उसके बाद फ़ोन के स्मूथनेस और स्टेबिलिटी को फिक्स किया गया है। डैट मीन्स इस अपडेट के बाद शायद आपके फ़ोन और भी ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल वर्क करेगा। जैसे YouTube लो रिफ्रेश रेट वाले इशू को यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा और यहाँ सेटिंग में बैटरी सेक्शन में स्क्रीन ऑन टाइम वाले इशू को भी फिक्स कर दिया जाएगा, वो यहाँ पर क्लियर मेंशन है। मेजर यही इस अपडेट में देखने को मिलेगा। चलिए अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेटिंग में अगर हम चेक करें तो लेटेस्ट वर्जन F.09 इंस्टॉल हो गया है। अपडेट इंस्टॉल होने के बाद अगर प्रीवियस कुछ बग्स को चेक करें तो यहाँ पर फिक्स हुए हैं या नहीं। तो YouTube ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद अब पता चल रहा है कि YouTube अब 120 हर्ज पर वर्क कर रहा है, जैसे पहले 60 हर्ज पे शायद वर्क करता था या फिर उससे भी लो रिफ्रेश रेट पर YouTube पहले उतना स्मूथली वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब YouTube वाले प्रॉब्लम को यहाँ पर क्लियरली फिक्स कर दिया गया है। सेटिंग में बैटरी वाले सेक्शन को, स्क्रीन ऑन टाइम वाले बॉक्स को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद अगर बैटरी बैकअप और हीटिंग इशू की बात करें तो वो फ़ोन को कुछ समय या फिर कुछ टाइम यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि बैटरी बैकअप कैसा मिल रहा है और हीटिंग इशू कुछ देखने को मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा अदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। आपका अपने फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अदर किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई टेक्नोलॉजिकल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।